स्टूडेंट अब देखिएगा 7.1, 2, 3 है ना, 7.1, 7.2, 7.3 होने के बाद हमें 7.4 करा रहा हूँ, ठीक है। बट 7.4 में सबसे पहले, ठीक है स्टूडेंट, आपको करना है फॉर्मूले लर्न करने, ठीक है। हाँ, लेकिन इनको लर्न करने का कोई लॉजिक नहीं है, बट वैसे उल्टा सीधा मैंने अपना बना रखा है, वैसे देख लो आए तो, नहीं तो सीधा सीधा रट्टा मार लेना, ठीक है। आएगा वैसे जो आप वैसे समझदार होंगे, मुझे पता है जो भी देख रहे हैं मुझे सब समझदार है, ठीक है। तो देखिएगा बच्चों, इसमें क्या आपका ये वाला फॉर्मूला आपको ऑलरेडी लर्न है, ठीक है। फर्स्ट इसका देखिएगा 10, सबसे पहली बात ये कि फॉर्मूले होते कौन कौन से हैं, है ना, मेन चीजें हैं। ये 6 फॉर्मूले होते हैं, सबको रटा हुआ है, बट 6 में कंफ्यूजन होती है कि ये था वो था, पता नहीं, समझ नहीं पाते कि कौन कौन से थे। तो देखना आप इसमें बेटा, 1/a² + x² क्या है आपका बेटा, यहाँ पर 1/a tan−1 x/a + में c आपका, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको ऑलरेडी लर्न है पहली एक्सरसाइज से, ठीक है। बस वहां क्या होता था, वहां पर आपका ये आता था कि इंटीग्रेशन करना है हमने किसका बेटा, 1 + x² का, तो वहां लिखते थे tan−1 x + c, ठीक है। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या आपका बेटा a² + x² है ना, तो अगर a² + x² है तो क्या आएगा, 1/tan−1 x/a + c आपका, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले इसकी दो जो है ना आपकी कि कितनी फॉर्म इसकी बन सकती है, 1/a² + x², तो माइनस भी तो आ सकता है बच्चों, 1/a² − x², या क्या आ सकता है कि x² पहले माइनस में और a² बाद में। क्या एक समझदार बच्चा ये सोचता है कि सर यहाँ भी तो हो सकता है x² पहले और a² बाद में, तो बेटा प्लस में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो समझदार नहीं है ना, वैसे कहना था। तो ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर ये वाला हमने लर्न कर लिया, और इसकी दो फॉर्म और होती है, तो मैं मानकर चलता हूँ इसी की फॉर्म से है। और रट्टा मारने का तरीका सीधा सीधा सा ये है मेरे बच्चों इसमें, कि जब आपका क्या 1/a² − x² है, तो 1/2a log a + x / a − x, ऊपर प्लस नीचे माइनस। बट अगर x² − a² है तो क्या होगा बेटा, आपका ऊपर माइनस और नीचे आपका क्या आएगा बेटा, प्लस आएगा। ऊपर माइनस और नीचे क्या आएगा बेटा, आपका प्लस आएगा, ठीक है। तो ये तीन आप एक जगह करके याद करेंगे, फिर आते हैं मिसाले फॉर्मूले में मेरे बच्चों। ये फॉर्मूला आपको याद होगा 1 − x², ये भी आपका फर्स्ट एक्सरसाइज में लिखवा दिया था मैंने आपको कि sin−1 x, ये किसका था बेटा, sin−1 x का। तो यहाँ पर क्या है बेटा, 1/√a² − x², तो क्या है आपका sin−1 x/a, इसमें 1/a नहीं आता, जैसे tan इनवर्स वाले में आता ना पहले, साइन वाले में नहीं आता, तो कंफ्यूज मत होना कभी भी, ठीक है। अब वो ये इसकी दो बदली हुई फॉर्म क्या हो सकती है, कि प्लस हो सकता है या माइनस में क्या, x² पहले और a² बाद में। तो जो इसकी दो बदली हुई फॉर्म है वो बिल्कुल सिंपल है, log x प्लस, और जैसा है ना वैसा ही एज इट इज आप लिख दीजिए। और यहाँ भी देखिए इसमें बेटा log x प्लस एज इट इज आप लिख दीजिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट भी लीजिए और इसको याद भी कीजिए प्लीज। आप सबसे पहले पॉज करके 2 से 3 मिनट इसको जल्दी से याद कर लीजिए, ठीक है, और फिर मैं आपको आगे कराऊंगा। फटाफट देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। अब देखिए तो देखना बच्चों इसमें मैं जो आपको बता रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज नंबर 7.4 का फर्स्ट क्वेश्चन आपका। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है आपका 3x² / x^6 + 1 dx। अब इसको मैं लिख सकता हूं यहां पर, ये i को लेकर चलेंगे आप हमेशा, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि 3x² और नीचे आपका x³² बिकॉज़ x³ का जो है डेरिवेटिव दे रखा आपको ऊपर, तो आपने क्या लेट कर लिया बेटा, x³ = t। तो ये आप डिफरेंशिएट करेंगे जब, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो आएगा आपका 3x² dx = dt। तो देखिए ये तो आपका पूरा का पूरा गया, अब क्या बच रहा है आपका, आप देखिएगा 1/ और ये t² + 1 dt, और अब ये किसका फॉर्मूला है आपका बेटा, tan इनवर्स वाला। तो सीधा सीधा है ये tan इनवर्स t का फॉर्मूला हो गया, प्लस में c, और अब t की वैल्यू रख दीजिए, तो tan इनवर्स x³ + c। चलिए इसको छोड़िए, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। पहले सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है बेटा 1/√a + 4x², तो हम इसको क्या लिखने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, 1/√a + 2x²
अब देखो 2x को ट्रिविलेट कर सकते हो आप, और आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसमें। देखिए पहली बात तो साइन इनवर्स वाली बिगड़ी हुई फॉर्म है ये। फॉर्मूला लिख देता हूँ बेटा मैं, सबसे पहले आपका ये वाला फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो लॉग और क्या था x प्लस एज इट इज, जैसा है वैसा ही हम लिख देंगे बिल्कुल। तो देखिएगा यहाँ पर क्या किया बेटा मैंने, जहां जहां आपका क्या है बेटा x है, x के प्लेस पर क्या आना है 2x बेटा, तो 2x और प्लस रूट में आपका एज इट इज, एज इट इज यानी बिल्कुल यही लिख दीजिए, ये आ गया बेटा। और अब देखिएगा अपॉन में मैं क्या लिख रहा हूँ, अपॉन में x का कोफिशियंट, ये आपको मैंने 7.1 में समझाया था, कोफिशियंट ऑफ x को हम क्या लिखते हैं बेटा अपॉन में, तो प्लस में c। अब इसकी सही फॉर्म क्या हो जाएगी, बस आपका ये 1/2 तो आ ही गया बाहर, और ये आपका 2x और प्लस में रूट में 1 प्लस इसको लिख देंगे 4x स्क्वायर प्लस c आपका एज इट इज, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से लिखते चलिए बेटा बहुत ही कंसेप्ट के साथ, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आगे आप इसमें कि क्या है, देखना बेटा बहुत अच्छे से समझ कर, है ना। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन अब ये इजी आपके हैं सीधे बिल्कुल। क्या लिखा हुआ है आपका बेटा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 1 और ये आपका dx, ये लिखा है आपका। देखिएगा आप ध्यान से कि क्या है आपका बेटा 1 अपॉन रूट में लिखा है ना आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो अब इसमें देखना पूरे कंसेंट्रेशन के साथ बच्चों कि क्या है आपका ये वाला आपका बेटा, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ चलिए मैं, है ना, अभी अभी जो लिखा था ना वही फॉर्मूला आपका सीधा। क्या है फॉर्मूले में बेटा आपका 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, और ये है क्या बेटा लॉग x प्लस और क्या आएगा रूट में एज इट इज बेटा, जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। तो देखना बेटा इसमें क्या आएगा आपका log of x के प्लेस पर क्या आपका बेटा 2 माइनस एक्स और प्लस में रूट में एज इट इज सब कुछ, यानी कि क्या बेटा आपका जैसा है वैसे रहने दीजिए, और अपॉन में माइनस 1 आ रहा है। ये माइनस 1 क्यों आ रहा है सोचो बेटा, माइनस 1 क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है माइनस 1 बेटा, बिकॉज कोफिशियंट ऑफ x, तो कोफिशियंट ऑफ x क्या है बेटा माइनस का 1, तो माइनस 1 कहाँ आ गया आपके डिवाइड में आ गया, ठीक है, यही आपका आंसर है। आप देखिएगा ध्यान से इसी तरह से जो फोर्थ क्वेश्चन है, अभी सिर्फ फॉर्मूले याद कराने के लिए मैं आपको एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ पूरा। तो देखिएगा लिखा है 9 - 25x², ठीक है, ये लिखा है आपका। इसको क्या लिखने वाला हूँ बच्चों में, मैं लिखने वाला हूँ इसका 3² - 5x² और ये आपका बेटा डी एक्स। अब देखना है इसमें जो मैं आपका फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तो फॉर्मूले में क्या है बच्चों आपका रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कौन सा वाला साइन इनवर्स वाला, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये रहा बेटा आपका, ठीक है, और प्लस में सी। देखिएगा यहाँ पर मैं क्या लिखने वाला हूँ, इसको मैंने लिखा बेटा 1 अपॉन ये, सॉरी ये तो लिख ही दिया मैंने, अब सीधा क्या लिख देता हूँ साइन इनवर्स एक्स, एक्स के प्लेस पर क्या है बेटा आपका 5x और अपॉन में ए, ए के प्लेस पर क्या है 3 और प्लस में सी, और अलग से डिवाइड में आएगा आपका बेटा क्या 5 बिकॉज कोफिशियंट ऑफ x, या भी आपका। अब आप देखिएगा नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन के अगर मैं बात करूं आपसे, कौन सा बेटा आपका फिफ्थ में दिया है आपको बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन में आपको दे रखा है 3x अपॉन में क्या है बेटा आपका 1 / 2x⁴। तो देखिएगा ध्यान से बेटा इसमें क्या आपका 3x और नीचे लिखूंगा बेटा 1 + √2x² इस बार टी मानना पड़ेगा इसको बिकॉज ऑफ क्या आपका ओपन इसका डेरिवेटिव दे रखा है, तो रूट 2x² को मैंने टी लेट कर लिया, तो डिफरेंशिएट जब मैं करूंगा बेटा इसको तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा बेटा आपका 2√2x dx और इक्वल्स टू में आपका dt, ध्यान से लिखना बेटा इसमें। अब यहां पर क्या बेटा आपका x dx, तो आपका x dx की जगह क्या आएगा 3 तो है स्टार्टिंग में, देखिएगा 3 तो है ही और ये 2√2 का आएगा डिवाइड में, तो ये आ गया आपका। अब जो बचा हुआ है वो आप देखिए क्या बचा हुआ 1 + t² और dt, और इसका होता क्या है बच्चों आपका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स t प्लस में c, और अब हम क्या करेंगे इसमें बेटा t की वैल्यू रख देंगे, तो t की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, t की वैल्यू आ रही है बेटा आपकी √2x² और प्लस में c का c रहा आपका, ठीक है।
देखिए पूरे कंसंट्रेशन से सिक्स्थ क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है बिल्कुल। ये मैं आपको कराऊंगा नहीं, सिर्फ बताऊंगा कि ऊपर एक्स स्क्वायर है जो नीचे एक्स टू द पावर सिक्स है। तो एक्स टू द पावर सिक्स को मैं क्या लिखने वाला हूँ बेटा, एक्स टू द पावर सिक्स को लिखेंगे हम एक्स क्यूब का स्क्वायर, और उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, हम लेट कर लेंगे एक्स क्यूब को टी, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा बिकॉज ऊपर क्या है डेरिवेटिव है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बच्चों इसमें कि क्या है आपका, ध्यान से देखो पूरे बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लो, जो जो है इसमें वो ध्यान से देखो बेटा, है ना। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा, सिक्स्थ क्वेश्चन के बाद, सिक्स्थ के बाद हम सेवन देखेंगे, है ना, सेवन क्वेश्चन देखेंगे। और बच्चों ध्यान रखना इसमें ना, आपको कुछ भी कहीं भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस जो तरीका बता रहा हूँ कि जब आप देखें ना, ठीक है, जब आप देखें इस वीडियो को, तो वीडियो देखने का एक वे यही होना चाहिए कि सामने फोन रखा हुआ है, ठीक है, और आप ऐसे कॉपी में लिख रहे हैं देख देख कर, ठीक है, पॉज कर लेते हैं, पीछे करते हैं, बट सामने फोन रख दिया और सिर्फ एक हाथ से फोन को हैंडल करना है, और अगर उठाकर आप दोनों हाथों से करने लग गए तो समझ जाओ आप समझ गए क्या बन रहे हो, आप घर वालों को नहीं बना रहे हो, समझ गए बेटा, आप कॉन्स्टेंट बन रहे हो बेटा खुद, कौन सा कॉन्स्टेंट समझ गए बेटा, इंटीग्रेशन, है ना, जो भी लगता है, क्लियर बोल रहा हूँ बेटा, आप अपने लाइफ बिल्कुल ना खराब कर लोगे, ठीक है, जो तरीका बताऊं देखो ना, लिखते जाओ एकदम इजी है चीज, ठीक है, थोड़ा बोर होके भी पढ़ना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए आगे क्या है बेटा आपका सेवंथ क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, आई इक्वल्स टू एक्स माइनस वन अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो आप देखना बेटा पूरे कंसंट्रेशन से, पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप इसको देखेंगे, तो इसमें क्या है बेटा आपका, इसको सेपरेट कर लीजिए, आप क्या कर लीजिए, सबसे पहले सेपरेट कर लीजिए, सेपरेट कैसे करेंगे कि x के अपॉन में आप इसको अलग लिख लीजिए, x के अपॉन में आपने अलग लिखा इसको, ठीक है बच्चों, और माइनस वन के अपॉन में आपने अलग लिखा इसको, ठीक है। अब देखिएगा आप इसमें ध्यान से लिखा पूरा पूरे कंसंट्रेशन के साथ कि ये आता कि ऐसा करते क्यों है, तो इसकी पहचान होती है, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन, पहचान ये होती है कि आपको पता है कि क्वाड्रेटिक जो आपका पॉलीनोमियल होता है या इक्वेशन होती है तो वो ये होता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जब बीच वाली टर्म गायब हो, जब बीच वाली टर्म हो ही ना, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ऊपर क्या दे रखा हो बेटा आपको, एक लीनियर दे रखी हो, तो अपॉन में अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं, कब, जब ये वाली टर्म नहीं हो, तो इसमें देखिए एक्स वाली टर्म है नहीं है, तो अलग अलग कर लीजिए। अब जब आप अलग अलग करेंगे तो इस वाले केस में क्या, इस वाले केस में बेटा एक्स स्क्वायर को आपने क्या लिख कर लिया, टी, और ये आ रहा है आपका 2x dx is equals to में dt आ रहा है बेटा, यानी x dx आपका ये हट जाएगा, तो i equals to आपका आएगा बेटा यहाँ पर, ये अपॉन में 2 आ गया, और आप देखिएगा पूरे कंसंट्रेशन के साथ ये क्या आ रहा है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस वन को ही मान लीजिए टी पूरा, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वन को ही डिलीट कर लीजिए, बात वही पड़ेगी, तो वन अपॉन रूट में टी और ये डी टी, जबकि ये तो आपका डायरेक्टली फॉर्मूला है बेटा आपका, ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला है आपका, देखिएगा क्या, लोग एक्स प्लस और रूट में ये एज इट इज, तो इसको तो हम छेड़ेंगे ही, और प्लस में सी आ गया बेटा, है ना, तो ध्यान से देखना इसमें क्या है, ये हाफ और टी की पावर ये वन बाई टू है ना, नीचे ऊपर जाकर माइनस के वन बाई टू हो जाएगी डी टी, और ये एज इट इज लिखा ले दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए हाफ, और ये t में जब मैं 1 प्लस करूंगा ना बेटा माइनस के 1 बाई टू में, तो प्लस का 1 बाई टू, नीचे भी क्या आ रहा है 1 बाई टू, 2 से 2 आपका कैंसिल, और ये जैसे था वैसे ही आप t की वैल्यू लिख दीजिए, t इसको रूट में लिख सकते हैं आप, तो रूट में t की वैल्यू क्या दे बेटा x स्क्वायर माइनस 1, और ये माइनस आपका लॉग में x प्लस, ये आपका एज इट इज, और प्लस में आपका c बेटा। तो ध्यान से देखना बेटा, सेवंथ क्वेश्चन हो गया है मेरे बच्चों। अब सेवंथ के बाद सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 11 इसमें लिख देता हूं बेटा, अच्छा 11 नहीं सॉरी 17 है बेटा, है ना, 17 मैं क्यों लिख रहा हूँ इसके बाद समझना, मैं सोचना 7 के बाद 17 सर, तो काउंटिंग भी भूल गए ना बेटा, कुछ नहीं भूलता मैं कभी भी, ठीक है, बस आप ध्यान से लिखना कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ ये वाला, है ना, बिकॉज ऑफ इसमें भी क्या है बेटा आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में से क्या गायब है बी एक्स, तो इसको भी हम क्या करेंगे सिमिलर सेपरेट करेंगे, और ये आप खुद कीजिएगा बेटा, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वन को क्या कर देंगे टी लेट कर देंगे, और जबकि 2 और ये वाला अपॉन में बेटा आपका क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वन किस में रूट में, तो ये वाला आप खुद कीजिएगा, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, इस वजह से मैंने आपको इसके साथ में लिखा है, ठीक है, एक करने का वे होता है बेटा, एक सीक्वेंस होती है हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, एक जैसे क्वेश्चन को साथ में करना सबसे बेटर वे होता है, ठीक है। चलिए फिर कोई नहीं, आगे देखिए आप इसमें
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट अटेम्प्ट हमारा 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, I equals to में लिखा है बेटा आपका x square, root में लिखा है बेटा आपका x to the power 6, a to the power 6 और ये dx। अब देखिएगा इसमें मैं क्या करने वाला हूँ बेटा, x square है ना, तो नीचे अभी देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में, सिक्स क्वेश्चन में कई जगह कर चुके हैं आप इस चीज को, ठीक है, तो ये भी आप क्या करेंगे, खुद भी करेंगे, बस लेट कर लेंगे बेटा x cube के प्लेस पर क्या बेटा आप अपना t, ये आप खुद कीजिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 करा चाहिए क्योंकि सिमिलर सिमिलर क्वेश्चन से तो मैं आपको कराता चल रहा हूँ, ठीक है, और बताता चल रहा हूँ कितना कितना होना है। ऊपर लिखा है बेटा आपका sec square x, नीचे आपका लिखा हुआ बेटा tan square x plus में 4 और ये आपका dx। तो अब देख रहे बच्चों इसमें क्या है आपका, इसमें देखिएगा इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्या है आपका सबसे पहले तो 4 को आप क्या लिख लीजिए, सबसे पहले 4 को आप क्या लिख लीजिए बच्चे 2 का स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है, और देखिए कुछ नहीं बचा आपका, बिकॉज ऑफ tan x का जो डेरिवेटिव है ऊपर रखा हुआ है, साफ दिखाई दे रहा है tan x का डेरिवेटिव क्या होता है भी आपका sec स्क्वायर होता है ना, 7.2 में हमने पढ़ा है कई जगह हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, तो देखिएगा ठीक है आपका, आपने डिफरेंशिएट किया जब इसको मेरे बच्चों, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ रहा है बच्चों आपका sec स्क्वायर x dx और इज इक्वल टू बेटा आपका dt, तो क्या आ रहा है आपका बेटा ये आपका जो है, ठीक है, अब क्या बचा आपका I equals to 1 upon t square plus 2 square dt। अब इसका फॉर्मूला क्या था, log में t plus और ये as it is बिल्कुल वही लिख दीजिए जो था, और अब आप t की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो t की वैल्यू कितनी थी बेटा आपकी tan x और प्लस में ये आपका बेटा क्या है tan square x plus 4, tan square x plus में 4 और plus में बेटा आपका c। तो ध्यान से देखना इसमें बेटा, पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, देखिए क्या आ गया बेटा, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ले लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। हां जी अच्छे से समझ में आएगा बेटा, बस आपने जो है ना बिल्कुल एकदम तैयार होके बैठना है अच्छे से और लिखते हुए, है ना, जो तरीका बताया मैंने आपको वीडियोस देखने का बहुत हेल्पफुल होती है वीडियोस, अदर सब्जेक्ट्स की भी अगर आपको देखनी तो आप देखिए, लेकिन जो तरीका बताया था सामने फोन रख के बिल्कुल अपना ईमानदारी से, ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप इसमें क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, ये एकदम एक अलग कॉन्सेप्ट स्टार्ट होती है, यहाँ से बेटा आप ध्यान से देखिएगा, ये लिखा हुआ x square plus 2x plus 2, है ना, अब यहाँ पर जो है ना ये कोई ऐसा फॉर्मूला है नहीं, और मैं इस नीचे वाले को टिबुलेट नहीं कर सकता बिकॉज ऊपर का कोई क्या है आपका डेरिवेटिव दिया हुआ है, ठीक है, तो देखिएगा बेटा हम इसमें क्या करते हैं, इसमें इसको अलग से कैलकुलेट करते हैं और स्क्वायर बनाते हैं होल स्क्वायर, तो देखिएगा कैसे बनता है बेटा, ये किसका स्क्वायर है बेटा x का स्क्वायर, यानी ये a स्क्वायर लेट कर लिया मैंने, अब क्या बेटा आपका प्लस, अभी मुझे b के बारे में नहीं पता बेटा ना, तो क्या किया ये 2ab वाली टर्म में 2 इंटू a इंटू में b, तो अब देखिएगा 2 का 2 और a, a के प्लेस पर क्या बेटा आपका x, तो x। अब मेरे बच्चों यहां पर हमने सोचना है, हमने सोच ये बनानी है बेटा इसमें कि 2 इंटू x तो हो चुका है, अब मैं इस 2 इंटू x की किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2x आए, तो बच्चा कहेगा सर सीधा 1 से ही होगी अब तो, है ना, बिकॉज 1 से करोगे तभी आएगा, इसका मतलब b के प्लेस पर क्या है 1 बेटा। अब हम अपने पास से प्लस बी स्क्वायर करेंगे यानी 1 स्क्वायर, और अगर अपने पास से प्लस का 1 स्क्वायर कर दें तो अपने पास से माइनस का भी करना पड़ेगा, और ये प्लस 2 आपका एज इट इज, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब ये यहां से यहां तक जो है बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है ना, तो ये किसका फॉर्मूला बन चुका है बेटा आपका x प्लस और b के प्लेस पर क्या है 1 का होल स्क्वायर, जबकि इसको नहीं छेड़ा है ना, माइनस 1 प्लस 2 एज इट इज रहा, और अब हम इसको लिखेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर और 2 में से 1 गया है तो 1 बचा। अब देखिएगा मेरे बच्चों i इक्वल्स टू आपका क्या आ रहा है, देखिएगा ध्यान से इसमें जब इसकी जगह मैं ये लिखूंगा तो अब आपको याद आ जाएगा, रे सर ये तो सिंपल वही क्वेश्चन हो गया आपका, सीधा सीधा सा कौन सा फॉर्मूला बनता है बेटा आपका, ये आपका ये फॉर्मूला बनता है साइन इनवर्स वाला जो बिगड़ा हुआ रूप है ना उसका, एक तरह से जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म में से है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो इसका था बेटा आपका क्या था log के अंदर x प्लस और रूट में आपका x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस में c,
ये था मेरे बच्चों को ध्यान से देखिएगा आप इसमें क्या है x के प्लेस पर क्या x प्लस वन तो आप देख लीजिए और लिख दीजिए x प्लस वन और प्लस रूट में x प्लस वन का होल स्क्वायर और प्लस क्या बेटा आपका a के प्लेस पर क्या आपका वन और प्लस में क्या बेटा आपका c और अब इसके प्लेस पर वापिस हम चाहें तो बिकॉज ये वैल्यू किसकी है इसी की है ना तो ये लिखा हुआ भी मिलता है आपको तो देखिएगा ये लिखा हुआ मिले तो आपको डरना नहीं है x प्लस वन एज इट इज और रूट में जो था वही लिख दिया आपने x स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू और प्लस में सी बिकॉज दोनों वैल्यू सेम है ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 मेरे बच्चों तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको जो दे रखा है उसमें दिया है आपको 1 अपॉन ऊपर कॉन्स्टेंट है नीचे क्वाड्रेटिक है चाहे वो स्क्वायर रूट में हो या विदाउट स्क्वायर रूट में बच्चों तो ध्यान से लिखना कि क्या करते हैं इसमें हम लेकर चलेंगे 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 को तो यहाँ पर हम देखेंगे 3x का स्क्वायर बेटा पूरा और इसको मैं लिखूंगा बेटा 2 इंटू ए ए के प्लेस पर क्या बेटा 3x बिकॉज अभी लिखा हुआ था ना ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू में बी अब मैं इसकी किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 6x आए तो 2 3 6x ये तो ऑलरेडी खुद 6x है तो 6x की किससे मल्टीप्लाई की जाए 6x आए तो 1 से बेटा आपका आपने यहाँ लिखा 1 और अब देखिएगा प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर और अपने पास से 1 का स्क्वायर प्लस 5 एज इट इज तो यहाँ से यहाँ तक का जो बेटा आपका आ चुका है ए और प्लस बी का होल स्क्वायर अब देखिए माइनस का 1 प्लस का 5 5 में से 1 गया तो आपका ये क्या बच रहा है बेटा ये बच रहा है आपका 4 और 4 को क्या लिखूंगा मैं वैल्यू पुट करते हुए स्क्वायर ऑफ 2 यानी कि क्या आपका नीचे लिखा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस ये 2 का स्क्वायर dx ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है मेरे बच्चों ये फॉर्मूला बन रहा है हमारा कौन सा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि टेन इनवर्स वाला 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस में सी तो देखिएगा मेरे बच्चों क्या आ रहा है आपका आई इक्वल्स टू क्या आएगा आपका 1 अपॉन ए के प्लेस पर क्या बेटा आपका 2 और आएगा टेन इनवर्स एक्स एक्स के प्लेस पर ये पूरा आएगा बेटा आपका 3x प्लस 1 और अपॉन में बेटा ए ए के प्लेस पर 2 प्लस सी लेकिन कोफिशियंट ऑफ एक्स है ना बेटा 3 तो ये भी डिवाइड में आता है तो इसको यहाँ लिख दीजिए तो फाइनली आपका आंसर हुआ 1/6 और टेन इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस में सी इस कॉन्स्टेंट को अक्सर भूल जाते हैं स्टूडेंट्स तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपने क्लियर नहीं किया इसको आप डायरेक्ट लेकर चल रहे हैं तो ये कहाँ है डिवाइड में आना ही आना है ठीक है तो आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए बेटा जल्दी से आप देखिए 11 से भी ठीक है अच्छे से और इस 11 में मैंने 17 भी करा दिया मुझे आपको ठीक है तो देखिए कॉन्सेप्ट ये चल रही है कि ऊपर कॉन्स्टेंट होता है और नीचे क्या होता है क्वाड्रेटिक चाहे वो स्क्वायर रूट में हो या विदाउट रूट हो उसको हम कैसे करते हैं होल स्क्वायर बनाकर करते हैं ऊपर कॉन्स्टेंट होता है और नीचे क्या होता है बेटा आपका क्वाड्रेटिक चाहे वो स्क्वायर रूट में हो या स्क्वायर रूट से बाहर हो बात एक ही है बस फॉर्मूले में चेंजिंग आ जाते हैं अदरवाइज हमें होल स्क्वायर तो बनाना पड़ता ही है तो ध्यान से देखना बेटा अब इसमें क्या बता दूंगा क्वेश्चन नंबर 12 बेटा हम करेंगे काफी सारे क्वेश्चंस कराऊंगा इन्हें मैं छुड़वाऊंगा नहीं क्योंकि एक भी छुड़वा दिया ना तो फिर मुझे पता है आपकी सोच क्या होगी कि अच्छा है ये वाला टफ है ये छुड़वा दिया सर है ना तो कोई नहीं बेटा सब करा रहा है ना तो देखिएगा आप इसमें क्वेश्चन नंबर 12 बेटा क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या है आई इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट में 7 माइनस 6 एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर डीएक्स तो देखिएगा मेरे बच्चों 7 माइनस 6 एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लीजिए तो एक्स स्क्वायर पहले 6x प्लस हो जाएगा बेटा आपका और ये 7 माइनस अब ये माइनस कॉमन क्यों लिया कि कभी भी अगर क्वाड्रेटिक का होल स्क्वायर बना रहे हैं और उसमें आपका एक्स स्क्वायर यानी कि जो ए स्क्वायर वाली टर्म है वो ही माइनस में है तो पूरे में से माइनस कॉमन ले लो सबसे पहले ठीक है तो देखिएगा आप इसमें क्या करने वाले हैं बेटा माइनस का माइनस बाहर रहा और ये किसका स्क्वायर है ए स्क्वायर तो देखिए ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर और 2 इंटू ए इंटू बी तो देखिए 2 इंटू ए के प्लेस पर क्या है आपका एक्स बेटा अब बी 2x की किससे मल्टीप्लाई करोगे 6x आए 2x की किससे मल्टीप्लाई करोगे 6x आए तो 3 है तो इसका मतलब बी क्या है आपका बेटा 3 है अब हम क्या करने वाले हैं बेटा इसमें बी स्क्वायर यानी कि क्या आपका 3 स्क्वायर और अपने पास से माइनस 3 स्क्वायर माइनस 7 आपका एज इट इज अब देखिएगा ये यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका बेटा होल स्क्वायर तो अब देखिएगा पूरे कंसंट्रेशन के साथ कि किसका होल स्क्वायर हो गया बेटा आपका ए
ए के प्लस पर क्या है एक्स और प्लस बी, बी के प्लस पर क्या बेटा थ्री, और ये माइनस का थ्री स्क्वायर मतलब नाइन, नाइन और सेवन कितना सिक्सटीन, सिक्सटीन मतलब फोर का स्क्वायर, और जब माइनस को अंदर ले जाऊंगा तो फोर स्क्वायर प्लस हो जाएगा और ये वाला हमारा माइनस हो जाएगा। तो जो हमारी वैल्यू थी वो हमने ये रख दी है। अब देखिएगा आई इक्वल्स टू क्या आएगा, तो आई इक्वल्स टू आपका सिंपल लगे बेटा फोर स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर और ये आपका डी एक्स। अब ये फॉर्मूला कौन सा बन गया मेरे बच्चों, ये फॉर्मूला बन गया आपका साइन इनवर्स वाला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये डी एक्स तो क्या होता है बेटा आपका साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस में सी, ये था बेटा हमारा। ठीक है, तो देखिए आई इक्वल्स टू में क्या आएगा फिर आपका साइन इनवर्स x के प्लेस पर बेटा x प्लस थ्री अपॉन में आपका बेटा a यानी 4 प्लस में c। x का कोफिशिएंट कुछ नहीं, वन है, वन को हम डिवाइड में करके लिखेंगे क्या, तो हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद 13 क्वेश्चन बेटा, 13 क्वेश्चन में हमें क्या दे रहा है वो और घुमाने की कोशिश कर रहा है, बट उसकी औकात इतनी ही है, इससे ज्यादा हमारे साथ वो नहीं खेल पाएगा बेटा, है ना। आपको मैं सारे खेल खेलने सिखा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा बेटा, सारे खेल खेलने सिखा दूंगा। ठीक है बेटा, इंटीग्रेशन के मेरे बच्चों ध्यान से देखना, इसमें क्या है x माइनस वन और इंटू में क्या है मेरे बच्चों x माइनस टू। देखो वैसे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होती है लेकिन मैं आपकी तरह करके दिखा देता हूँ बेटा, x की x से हुई तो x स्क्वायर, x की माइनस टू से हुई तो माइनस टू एक्स, फिर माइनस वन की x से हुई तो माइनस एक्स, और फिर माइनस वन की माइनस टू से हुई तो माइनस माइनस प्लस टू। कुल मिला के आप खुश हो जाइए कि x स्क्वायर और ये कितना बेटा माइनस का थ्री एक्स और प्लस में टू आ गया आपका। ठीक है, अब हम क्या बनाएंगे इसके स्क्वायर बनाएंगे बेटा, तो जब हम इसके स्क्वायर बनाएंगे तो क्या होगा बेटा आपका एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स और माइनस का क्या प्लस का क्या आपका टू है। ठीक है, अब इसके स्क्वायर बनाने तो स्क्वायर कैसे बनेगा देखिएगा, ये ए स्क्वायर और क्या आएगा बेटा माइनस माइनस टू इंटू ए इंटू बी, तो टू इंटू ए, ए के प्लस पर क्या बेटा आपका एक्स। अब यहाँ पर बेटा 2x की किससे मल्टीप्लाई करोगे 3x है। अब बच्चा कहेगा सर ये तो कुछ अजीब सी बात होगी ना, तो अजीब सी कुछ नहीं बेटा ध्यान से देखना, इसमें क्या कहा बेटा कि आपको 2 देखो x तो है x ही, मतलब 2 का क्या बनाना है बेटा आपको 3 मल्टीप्लाई करके, 2 का क्या बनाना है बेटा आपने 3 बनाना है। तो आप ध्यान से देखना बेटा इसमें आप क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, कहने का मतलब 2 से डिवाइड कर दीजिए 1 बन गया और 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या बन गया बेटा आपका ये 3 बन गया। तो किससे मल्टीप्लाई होगी बेटा आपकी बताइए 3 बाय 2 से। अब ये b हो गया तो इसका मतलब क्या है बेटा आपका 3 बाय 2 का स्क्वायर और ये बेटा आपका 3 बाय 2 का स्क्वायर और ये बेटा प्लस 2। तो देखिएगा ये आपका यहाँ से यहाँ तक का है ना, ये देखिएगा आप इसमें बेटा ये यहाँ से यहाँ तक का क्या बनता है बेटा आपका एक्स प्लस प्लस नहीं सॉरी माइनस बेटा, बिकॉज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ab है, तो माइनस बेटा आपका 3 बाय 2 का स्क्वायर, और ये 3 का स्क्वायर कितना बेटा आपका 9 हो गया, ऊपर नीचे आपका 4 हो गया और ये बेटा 2, 4 2 जा 8, 9 माइनस का है 9 में से 8 गया तो कितना बचेगा बेटा आपका 1, क्या बचेगा बेटा 1, और नीचे कितना है 4 लेकिन 2 का स्क्वायर कह सकते हैं। तो फाइनली हमारा आई इक्वल्स टू ये वैल्यू आई है ना, तो आई इक्वल्स टू क्या होगा रूट के अंदर ये वैल्यू आ जाएगी, तो आप देखिएगा 1 अपॉन रूट में बेटा x माइनस 3 बाई 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 का भी स्क्वायर और ये dx आपका बेटा। ठीक है, तो पूरे ध्यान से देखो, कुछ बहुत मुश्किल नहीं है मेरे बच्चों, आगे क्या हो गया आपका वही कॉन्सेप्ट मिल रही है बेटा कि क्या है आपका बेटा इंटीग्रेशन ऑफ किसका बेटा आपका 1 अपॉन रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx, तो इसका क्या बेटा आपका log x प्लस और रूट में आपका ये एज इट इज, रूट में आपको बेटा ये एज इट इज। तो देखिएगा क्या आ रहा है मेरे बच्चों, इसमें लोग ये लिख दीजिए सीधा ना, इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो क्या रहा है आपका x के प्लस पर x माइनस 3 बाई 2 का स्क्वायर है और रूट में आपका x स्क्वायर यानी कि है सब कुछ एज इट इज ही लिख दीजिए। ठीक है, ये आपने लिख दिया बेटा, ये रहा आपका प्लस में सी, और इसकी जगह ये वैल्यू थी किसकी आपकी, वापस वही फॉर्म भी लिखी रहती है आंसर में, तो कंफ्यूज ना होना यार प्लीज को, ये ना ये सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर नहीं होता, देखिएगा कंफ्यूज ना होना, ये वही लिखा सकता है कि x माइनस 1 और x माइनस 2 बेटा जो था आपका वो एज इट इज आप लिख सकते हैं, x माइनस 1 x माइनस 2 जो था वो कब हुआ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप फटाफट तेजी पर बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा तेजी पर, है ना। देखिएगा बेटा जल्दी एकदम स्पीड बढ़ाइए बेटा, है ना।
मैं भी स्पीड बढ़ा रहा हूँ बेटा जेके 2000 में, क्योंकि गर्मी बहुत तेज लग रही है। सब पढ़ाते पढ़ाते आप लोगों को अच्छा लग रहा है बेटा मुझे, ठीक है। अब ध्यान से देखना बच्चों, क्या बेटा क्वेश्चन नंबर 13 आपका हो गया है, ठीक है। बहुत अच्छे से आप सीख रहे हैं मुझे पता है, और बहुत ही अच्छे से। बस एक बार आप इसको अच्छे से कर लीजिए, फिर एक बार आप एग्जाम टाइम में आप देख लीजिएगा, जल्दी स्पीड बढ़ाकर, है ना, 2x में आप देखोगे बड़े आराम से समझ में आएगा। फिर आपको मैं आपको स्लोली स्लोली पढ़ा रहा हूँ बेटा, और अगर आप में से किसी को लगता है कि वो वीक है तो वो थोड़ा सा और अपना बहुत ही सुकून के साथ एक एक क्वेश्चन को लिखता चले तभी होगा। बिना लिखे तो देखो मैथमेटिक्स हो नहीं है वैसे भी, ठीक है। तो देखिएगा बेटा इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जो कि मैं छुड़वा दूंगा आधे भी बेटा। देखिएगा लिखा हुआ है आपका बेटा वो ये ऊपर कांस्टेंट और नीचे क्या बेटा आपका 8 प्लस 3x माइनस का x स्क्वायर। तो स्क्वायर बनाना है ना बेटा हमने 8 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर। सबसे पहले माइनस को मन लेंगे तो x स्क्वायर प्लस का और माइनस 3x और माइनस 8 बेटा, और इसका स्क्वायर आप खुद बनाइएगा। जस्ट पीछे वाली किसी कैलकुलेशन है तो आप खुद कर लेंगे, बहुत आराम से कर लेंगे, कोई बहुत मुश्किल इसमें नहीं है बेटा। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखिएगा, अगर ये छुड़वा दिया तो दिक्कत हो जाएगी आपको बहुत ज़्यादा, इसलिए ये नहीं छुड़वाऊंगा मैं बेटा आपका x माइनस बी। देखना बेटा पूरे कंसेप्शन के साथ, ठीक है। इसमें मैं क्या करने वाला हूँ बेटा, सबसे पहले x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो आप इनके इंटू कर लीजिए तो क्या आ रहा है, एक्स की एक्स होगी तो एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का मान ले लीजिए ए प्लस बी की होगी तो किससे आपका एक्स से होगी, ठीक है। और ये प्लस में क्या आएगा बेटा आपका ए इंटू बी, मल्टीप्लाई खुद कर लेना यार ये, ठीक है। आप ध्यान से देखो बेटा कुल मिला के इसका स्क्वायर बनाना है मैंने, तो ये आपका ए स्क्वायर माइनस ये 2ab वाली टर्म है, तो 2 है ना चुप 2 a इंटू में बी, बी बी कैपिटल ले लीजिए बिकॉज स्मॉल ए बी उसमें यूज हो चुका होगा भी। तो आप देखिए a, a के प्लस पर गया बेटा आपका x लिख दिया, अब b कि 2x की किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आए, है ना बच्चों। तो देखिए किससे होगी a प्लस बी और अपॉन में किससे 2 से, बिकॉज 2 से 2 कट होगा तभी तो ये आएगा बेटा आपका, तो b की वैल्यू ये आ गई। अब आपने क्या करना होता है बेटा, b स्क्वायर जोड़ना होता है अपने पास से, तो b b के प्लेस पर क्या है बेटा आपका a प्लस बी बाई 2 का स्क्वायर, और ये आपने माइनस भी करना पड़ेगा तो बेटा वही a प्लस बी बाई 2 का स्क्वायर, और ये वाला प्लस ए बी एज इट इज। तो देखिए कैलकुलेशन थोड़ी बहुत टफ हो सकती है, ठीक है, जब कॉन्स्टेंट में लेते हैं थोड़ा मुश्किल लगता है, बट ऐसा कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट वही याद है आपकी, ठीक है। तो ध्यान से देखना बच्चों इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया बेटा आपका, a a के प्लेस पर क्या है बेटा आपका x, और माइनस b b के प्लेस पर क्या है बेटा आपका a प्लस बी अपॉन में 2, ये आपने स्क्वायर लिख दिया। अब देखिएगा माइनस ये क्या बच रहा है आपको बेटा, माइनस है ना, ये माइनस नहीं रहने दीजिए, और इसका आप क्या कर लीजिए बेटा होल स्क्वायर खोल लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू में ए इंटू में बी, और नीचे 2 का स्क्वायर क्या है बेटा 4, और ये आपका प्लस क्या है ए इंटू बी। अब देखिए इसमें मैं ये कर सकता हूँ क्या बेटा कि यहां से अगर माइनस कॉमन ले लूं पूरे में से, तो ये प्लस का क्या बन जाएगा बेटा माइनस बन जाएगा। अब मैं इसका एलसीएम ले सकता हूँ, यहाँ से देखना पूरे कंसंट्रेशन के साथ ये नोटिस करते हुए कि मैंने अपनी स्पीड कितनी कम कर ली है बेटा इस क्वेश्चन में, है ना। तो ध्यान से देखना 4 का एलसीएम लिया तो क्या आएगा आपका ऊपर बेटा, ऊपर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना बेटा, और प्लस 2ab, बट माइनस का क्या आएगा बेटा 4ab, और अपॉन में आपका क्या है मेरे बच्चों 4 है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से इसमें, तो ये क्या आ रहा है x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, जबकि ये क्या बचा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस के 4 में से प्लस का 2 को माइनस किया तो माइनस का 2ab और अपॉन में बेटा 4, और ध्यान से अगर आप देखें तो ये प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर नीचे 2 का स्क्वायर। तो अब देखिए पूरे को मैं क्या लिखने वाला हूँ, मैं पूरे के पूरे को लिखने वाला हूँ बेटा x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको लिखा मैंने, और इसको क्या लिखूंगा a माइनस बी का होल स्क्वायर नीचे 2 का स्क्वायर, इसका मतलब इसको पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा a माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब हम i को लिखेंगे बिकॉज आपको क्या दे रखा है i, तो ये था ना आपका
वन अपॉन रूट मीन, जो कुछ भी आए किसमें लिखेंगे वन अपॉन रूट मीन। तो देखिएगा मेरे बच्चों, वन अपॉन रूट में मैं क्या लिखने वाला हूँ आपका पूरा का पूरा, ये x माइनस ए प्लस बी बाई टू, और मेरे बच्चों क्या है आपका a माइनस बी बाई टू का स्क्वायर, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कौन सा है मैं एक बार लिख देता हूँ, वन अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो देखिएगा क्या आ रहा है बेटा आपका, लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट में एज इट इज, रूट में एज इट इज। अब देखिएगा मेरे बच्चों क्या लिखने वाला हूँ इसमें, आई इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स, एक्स के प्लेस पर ये पूरा बेटा एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू और प्लस रूट में एज इट इज, यानी पूरा का पूरा आप ऐसे ही लिख दीजिए। तो आप देखिएगा मेरे बच्चों जो आ रहा है आपका, ये आपका क्या है बेटा a माइनस बी बाई टू का स्क्वायर और प्लस में c। और अब इसमें एक लास्ट ये चीज हो जाती है, मैंने आपको बता दिया है कई बार पहले भी इसमें कि बेटा इसकी वही फॉर्म लिख दीजिए जो था ये, यानी ये जो आया था किसको सॉल्व करके आ रहा है बेटा एक्स माइनस एक्स माइनस बी को, तो इसको आप एज इट इज लिख दीजिए एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ये आपका फाइनल आंसर हो गया बेटा। आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को जरा ढंग से, है ना, आधे मिनट का टाइम ले रहा हूँ मैं, कोई नहीं है ना, तब देख लीजिए आप इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए, है ना, बिकॉज आगे कॉन्सेप्ट चेंज होने वाली है बेटा आपकी एकदम। चलिए आगे बढ़ते, आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा पूरे कंसेंट्रेशन के साथ बेटा, पूरा अच्छे से, है ना, एक एक कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ बेटा मैं आपको, आपको कुछ भी देखने की कहीं भी करने की जरूरत नहीं है, बस आप मुझे फॉलो करते जाइए बेटा, बहुत अच्छे से हो जाएगा आपका, आपको मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। देखिएगा बेटा पूरे कंसेंट्रेशन के साथ, है ना, अब देखिए इसमें इसमें जस्ट आफ्टर जो मैं आपको कराने वाला हूँ वो कॉन्सेप्ट चेंज होने वाली है बेटा, तो कॉन्सेप्ट जो है चेंज होकर के आने वाली है, आप देखिएगा पूरे कंसेंट्रेशन से। क्वेश्चन नंबर 16 बेटा आपका, आई इक्वल्स टू लिखा है आपका बेटा 4x प्लस 1 अपॉन में रूट में लिखा हुआ है आपका बेटा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। तो ये एक क्वेश्चन उन्होंने 7.2 का डाल दिया है, ठीक है, यहाँ पर 7.2 का इसलिए बिकॉज ऑफ नीचे वाले का जो डेरिवेटिव है ऊपर वाला है, ठीक है, वही समझाने के लिए कि बीच में ये भी आ सकती है चीज, ठीक है। अभी तक हम क्या पढ़ते थे, ऊपर से सिंगल कांस्टेंट होता था, नीचे क्वाड्रेटिक होती थी, ठीक है, तो उसमें स्क्वायर बनाते थे सीधा सीधा, बट यहाँ पर क्या बच्चे ऊपर कांस्टेंट नहीं है, ऊपर भी आपको एक्स नहीं दे रखा है, ठीक है, तो सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि कहीं नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला तो नहीं, हाँ जी है, तो आप इस क्वेश्चन में तो सीधा सीधा क्या लिख देंगे बेटा कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 को t मान लेंगे। तो देखिए 4x प्लस 1 और dx = dt, तो आपका ये क्या आ रहा है बेटा, देखिएगा बेटा i = 1 अपॉन रूट में t और ये बेटा आपका dt, या t को माइनस का 1/2 लिख सकता हूँ मैं ऊपर ले जाकर, और माइनस 1/2 का जब करेंगे ना इसमें प्लस 1 करेंगे तो t की पावर 3 सॉरी 1/2 आ जाएगा प्लस का, और नीचे भी 1/2 प्लस में सी, आप इसको लिखेंगे 2t और प्लस में सी और t की वैल्यू लिख देंगे। अब तो t की वैल्यू आपकी क्या आ रही है मेरे बच्चों, t की वैल्यू क्या थी आपकी पूरी 2x स्क्वायर प्लस x माइनस में 3 और प्लस में सी आपका एज इट इज। तो आप देख लीजिए बहुत अच्छे से बिकॉज, और 17th क्वेश्चन आपका ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, करा चुका हूँ, जब मैंने आपको 7th कराया था मैंने तभी करा दिया था। अब इसके जस्ट आफ्टर ना बेटा एक नई कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, उसको मैं दो तरीके से कराऊंगा, एक आपका जैसे एनसीईआरटी में सीधा सीधा दे रखा है, ठीक है, उससे ही करना, और अगर कोई आप में से लगता है किसी को जो मैं डायरेक्ट थोड़ा सा कराने की कोशिश करूंगा तो आप उससे भी कर सकते हो, मार्क्स किसी से भी कटनी होगी, ठीक है, आप कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, अभी ध्यान से देखिएगा। चलिए बेटा आगे हम इसमें क्या करने वाले हैं देखिएगा पूरा अच्छे से बेटा ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर 23 तक आने के चांसेस भी होते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सबसे लेंथी को सबसे ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपको लिखा हुआ है 5x माइनस 2, दिखने में क्वेश्चन नंबर 16 सा ही लगेगा आपको, बट बहुत डिफरेंस है इसमें और उसमें, ठीक है, तो बहुत डिफरेंस ये है कि ऊपर आपको वेरिएबल में दे रखा है, नीचे आपको क्वाड्रेटिक की दे रखी है, ठीक है, लेकिन एक कैसी क्वाड्रेटिक दे रखी है कि ऊपर क्या है वेरिएबल में, है ना,
तो नीचे हमने डेरिवेटिव किया तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 6x plus 2, बट 6x plus 2 तो ऊपर है नहीं, ऊपर क्या आपका 6x plus 2 नहीं है, तो जब आपका 6x plus 2 नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे इसमें बेटा, आप क्या टी मान सकते नीचे वाले को, इम्पॉसिबल है, तो थोड़ा सा पानी पी लो सोचो। नहीं सोच पाए बेटा, मैं बता दूंगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा हम क्या करते हैं। सबसे पहले न्यूमिनेटर इजिकल्स टू ए डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर और प्लस में बी, ये कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई होती है। डिनोमिनेटर वाली नीचे वाली जो क्वालिटी है अगर वो स्क्वायर रूट में हो तब भी हम बिना स्क्वायर रूट के लिखेंगे वैल्यू सिर्फ, ठीक है, यानी कि पूरा डिनोमिनेटर लिखेंगे, है ना, आगे नीचे स्क्वायर रूट होगा तब भी हम स्क्वायर रूट नहीं लेंगे, ठीक है। अभी देखिएगा कराऊंगा मैं सारे क्वेश्चन, तो देखिए न्यूमिनेटर क्या है बेटा आपका 5x minus 2 और a d dx of 1 plus 2x plus 3x square plus में b, तो अब देखिएगा मेरे बच्चों 5x minus 2 equals to में आपका a d dx कर लीजिए, इसका 0 आ गया, इसका 2 और इसका कितना है बेटा आपका 6x plus b। अब देखिए लेफ्ट में जो आपकी इक्वेशन दे रखी है ना लीनियर इक्वेशन, वो किस फॉर्म में, पहले x वाला है फिर कांस्टेंट है, तो यहां भी यही कीजिए, देखिए 6ax अलग है ना बेटा, और ये आपका बेटा 2a और प्लस में b अलग, तो देखिए ये x वाले के x वाले से कंपेयर कर दीजिए और बेटा कांस्टेंट की कंपेयर किससे, कांस्टेंट से कर दीजिए, ठीक है। तो मेरे बच्चों 6ax इक्वल्स टू में 5 लिखा आपने, तो यहां से आपका 5x x से x गया, a is equals to 5 by 6 आ गया बेटा आपका, और जब आपने कांस्टेंट यानी माइनस 2 इक्वल क्या लिखा 2a plus b लिखा, और आपको किसकी वैल्यू पता है ऑलरेडी, आपको a की वैल्यू पता है, तो 2 into 5 by 6 तो आपने कट किया 3 और प्लस में b, तो आपका b equals to आया बेटा ये माइनस 2 तो है ही प्लस में 5 by 3, तो 3 to the 6 माइनस का, माइनस के 6 में से गए तो माइनस का 1 by 3 आ गया। ए और बी की वैल्यू आपकी आ चुकी है और मैं इसको क्या लिखने वाला हूँ, इक्वेशन वन मान लीजिए, ठीक है। अब आई प्लस टू में क्या लिखेंगे, आई प्लस टू क्या था बेटा आपका 5x माइनस 2 था ना ऊपर, बट अब 5x माइनस 2 नहीं, अब हम ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे सॉरी ये बेटा देखिएगा, हम क्या लिख सकते हैं, ए के प्लेस पर क्या बेटा आपका 5 by 6 और ब्रैकेट में क्या बेटा आपका 2 plus 6x और प्लस में बी, बी कितना बेटा आपका माइनस का 1 by 3 और अपॉन में जो था ना बेटा जैसे था वैसे ही लिख देंगे हम इसको, तो देखिए ये पूरी कॉन्सेप्ट है आपकी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, इसके जस्ट आफ्टर स्टार्ट होता है बेटा सेपरेशन, तो देखिए 5 by 6 और ये बेटा आपका 2 plus 6x के अपॉन में आप इसको अलग लिख दीजिए 1 plus 2x plus 3x square, ठीक है, ये लिख दिया आपने मेरे बच्चों और dx, और जबकि ये माइनस 1 बाई 3 पहले ले लीजिए तो 1 अपॉन क्या बचा आपका 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर और ये dx। अब देखिए नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला है ना, तो जब मैंने बताया था नीचे वाले का डेरिवेटिव डायरेक्ट ऊपर दे रखा होता है तो इसको t मानेंगे हम, t मानेंगे तो ये आपका क्या है सीधा सीधा आपका कैंसिल हो जाएगा और 1 अपॉन t, 1 अपॉन t का क्या होगा log t, तो इस वाले को तो हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं बेटा कि 5 बाई 6 है ना, 5 बाई 6 और क्या लिखूंगा बेटा इसको log of t, t मतलब नीचे वाला, बट मेरे बच्चों अभी आपका ये रह गया है ना, ये आपका as it is रह गया, अब हम इसको क्या करेंगे अलग से सॉल्व करके लाएंगे पूरा, ठीक है, अलग से सॉल्व करके लाएंगे फिर यहाँ पर पुट करेंगे और इसको अभी फिलहाल हम इक्वेशन वन का नाम दे रहे हैं, ठीक है, इक्वेशन वन सॉरी ऑलरेडी हो चुकी है तो इक्वेशन टू का नाम दे दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं, कुल मिला के ये तो सॉल्व हो चुका है, अब ये सॉल्व करके लाना, अब ये सॉल्व ये कौन सा क्वेश्चन बन गया आपका बिल्कुल प्रीवियस की तरह बन चुका है, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के भी कई तरीके हैं, क्योंकि इसमें क्या आया आपका बेटा कई बार ना होल स्क्वायर बनाने पे बहस हो जाती है, तो देखिएगा कोई बहस नहीं करनी आपने, ये रूट थ्री एक्स का स्क्वायर है, किसके स्क्वायर मान लो बेटा मैं आपको 3x स्क्वायर और मैं क्या लेकर चल रहा हूँ बेटा आपका रूट थ्री का स्क्वायर, रूट थ्री किसका स्क्वायर होता है रूट थ्री का, अब यहाँ पर 4 होता 25 होता तो आप एकदम कहते 4 किसका स्क्वायर है 2 का, 25 5 का, 9 3 का, बट अगर बेटा क्या लिखा गया 3 तो 3 किसका रूट 3 का, तो रूट 3 स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, तो देखिए 2 इंटू a,
ए के प्लेस पर क्या बेटा आपका रूट थ्री इंटू में एक्स, अब इंटू में बी, बी मतलब इसकी किससे मल्टीप्लाई करूं कि क्या है बेटा आपका टू एक्स है, तो टू एक्स तो ऑलरेडी है, रूट थ्री फालतू वाले फिर से डिवाइड कर दिया बेटा, तो वन अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर प्लस कर रहे हैं और ये बेटा आपने स्क्वायर क्या करना है माइनस करना है, और बेटा ये आपका क्या प्लस का वन, ये आपने लिख दिया, देखिएगा ध्यान से कंफ्यूजन हो तो भैया इसको सीधा करके लिख लेना, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स और प्लस में वन, अब देख लेना इसको ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का किसका स्क्वायर बन गया आपका बेटा रूट थ्री एक्स, और क्या बेटा आपका प्लस है तो प्लस वन बाय रूट थ्री का स्क्वायर बन गया आपका ठीक है, और माइनस वो क्या लिखा बेटा मैंने इसको वन बाय थ्री और प्लस में वन, देख लीजिए आप यहाँ ठीक है। अब आप इसमें क्या करने वाले हैं पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखना, कोई मुश्किल बात नहीं है बेटा, बहुत आसानी से आप कर लेंगे धीरे धीरे ठीक है। देखिए थ्री वन था थ्री, थ्री में से बन गया तो किसका प्लस का टू बाई थ्री, तो क्या बच रहा है आपका बेटा प्लस का टू बाई थ्री, तो प्लस के टू बाई थ्री को भी क्या लिखने वाला हूँ बेटा मैं प्लस का टू बाई थ्री, तो टू बाई थ्री नहीं बल्कि टू और बाई थ्री का स्क्वायर लिखने वाला हूँ, बिकॉज ऑफ इसको मैं क्या लेकर चल रहा हूँ बेटा आई वन लेकर चल रहा हूँ, क्या लेकर चल रहा हूँ इसको पूरी को मैं आई वन ठीक है। तो अब देखिएगा आई वन, I1 मान लिया ना, तो I1 क्या है बेटा आपका माइनस तो है ही साथ में ना, माइनस तो है ही, I1 पूरा ही है, तो क्या लिखा बेटा मैंने I1 equals to 1 by 3 आपका as it is ठीक है, और क्या लिखूं 1 upon जो भी कुछ हो रहा है वो लिखूंगा मैं पूरा as it is, तो ये पूरा बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है रूट वगैरह से ठीक है, ये आप as it is रहने दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप पर। अब देखिए प्लस रूट टू बाई रूट थ्री का स्क्वायर और ये बना आपका dx, अभी टेन इनवर्स वाली कॉन्सेप्ट आ रही है, तो आप देखिएगा वन अपॉन थ्री एज इट इज, और वो था वन अपॉन ए, ए क्या है बेटा आपका रूट टू बाय रूट थ्री, और बेटा एक्स का कोफिशियंट भी है क्या है वन बाय रूट थ्री, तो ये आपने लिख दिया, और बाकी होता क्या है बेटा आपका इसमें टेन इनवर्स एक्स यानी कि ये पूरा एज इट इज है ना बच्चो, ये पूरा एज इट इज और अपॉन में ए, ए के प्लस पर बेटा रूट टू बाय रूट थ्री और प्लस में सी बेटा। अब देखिएगा ये रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल हो गया, वन अपॉन थ्री रूट टू आपका एज इट इज, और ये टेन इनवर्स ऑफ रूट थ्री की रूट थ्री से होगी तो क्या आएगा बेटा आपका थ्री एक्स प्लस वन अपॉन में क्या है बेटा आपका रूट थ्री, और नीचे आपका रूट टू बाई रूट थ्री से रूट थ्री गया प्लस में सी, तो ये फाइनली आपका क्या आ गया बेटा वन अपॉन थ्री रूट टू, और मेरे बच्चों ये आया आपका टेन इनवर्स थ्री एक्स प्लस वन और अपॉन में क्या बेटा आपका रूट टू और प्लस में सी ठीक है। अब इसको उठाकर क्या रख देंगे आप इसमें देंगे सेकंड इक्वेशन के अंदर कहीं भी है ना, तो देखिए आई इक्वल्स टू आपका कुल मिला के क्या आ रहा है फाइनली ठीक है, आई इक्वल क्या आएगा मेरे बच्चों आप ध्यान से देखिएगा, आई इक्वल आपका ये था फाइव बाई सिक्स और लॉग में क्या बेटा आपका वन प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, और बच्चों माइनस का आई वन है तो माइनस जब करूंगा मैं इसको तो माइनस का आएगा बेटा थ्री रूट टू और टेन इनवर्स थ्री एक्स प्लस वन अपॉन में रूट टू, बच्चा कहेगा सर सी भी माइनस तो हो जाएगा, तो बेटा सी को माइनस लिख दो प्लस लिख दो, सी तो सी है कोई फर्क ही नहीं पड़ता इससे ठीक है समझ गए, तो प्लस लिख दो माइनस लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखना अब इसकी कॉन्सेप्ट को समझना मैं क्या होता हूँ, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ बेटा इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम होती है ना, थोड़ा सा जोन देके पढ़ेंगे अब यहाँ पर हम इसमें बहुत अच्छे से, देखिएगा क्या है आई इक्वल्स टू ये था बेटा आपका, हमने देखा नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला नहीं है, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला नहीं है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे बेटा न्यूमेरेटर लिखेंगे और a डिवाइड dx डिनोमिनेटर, अगर रूट होता तो रूट के बिना ही लिखते डिनोमिनेटर को यहाँ पर, प्लस b आपका। अब देखिएगा मैंने क्या किया बेटा न्यूमेरेटर पूरा का पूरा लिखा मैंने a d dx ऑफ डिनोमिनेटर यानी ये लिखा बेटा मैंने और प्लस में b, अब देखना बेटा ये एज इट इज आपका a का a रहा, जब इसका डेरिवेटिव करूंगा तो ये आएगा 6x प्लस में b, अब मैंने इसके बाद इसको इक्वेशन वन मान के छोड़ दिया ठीक है, बट यहाँ जो है ना x पहले आ रहा है x वाला और फिर आपका कांस्टेंट, तो मैंने देखा यहाँ पर a की अगर 6x से करूंगा तो 6x यानी x वाला पहले लिख दिया मैंने, और ये क्या बेटा 2a प्लस b क्या आ रहा है बेटा 2a प्लस b ये कांस्टेंट अलग, तो देखो यहाँ पर मैं एक चीज को मार्क भी कर रहा हूँ तो कैसे कर रहा हूँ ध्यान से देखना, 5x के नीचे लिखा मैंने ये नीचे निशान लगाया ठीक है नीचे, क्योंकि इसकी कंपेयर इसी से हो रही है यानी x वाले के x वाले से हो रही है, तो यहाँ से a आपका 5/6 आ गया, जबकि मैंने इसको भी सर्कुलेट किया इसको भी सर्कुलेट किया बिकॉज कांस्टेंट की कंपेयर कांस्टेंट से हो रही है, तो क्या लिखा बेटा मैंने 2a plus b को क्या लिखा माइनस 2 के इक्वल लिखा, तो यहाँ पर a की वैल्यू रखी मैंने 2 से 6 को कट किया 5 by 3, अब ये 5 by 3 इसके पास जाएगा तो किसका हो जाएगा बेटा आप ध्यान से देखिएगा
ये तो माइनस फाइव, यहाँ पर एक गलती भी हो गई, देखो ये फाइव बाई थ्री है ना बेटा, तो फाइव बाई थ्री उधर जाकर किसका हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला फाइव बाई थ्री, ये फाइव बाई थ्री उधर जाकर माइनस ही हो जाएगा बिकॉज ये प्लस का है ना, तो कोई नहीं अच्छा हुआ, चलो रिविजन में आपका और अच्छा हो गया, ये माइनस हो गया बेटा। अब ये क्या थ्री टू सिक्स, सिक्स और फाइव कितना बेटा आपका इलेवन, तो इलेवन बाई थ्री, कोई खास फर्क नहीं पड़ा, ध्यान से देखना। अब हमने क्या करना है बेटा, ये b की वैल्यू और ये a की वैल्यू कहां यहां लिखनी है, और ये वाली वैल्यू ये किसकी वैल्यू 5x - 2 की, वो यहां लिखनी है। तो हमने i इक्वल लिखा, देखो बेटा i इक्वल 5 / 6 यानी कि क्या a, ठीक है ध्यान से लिखिएगा, ये a और ये as it is, और प्लस में बेटा b, b की वैल्यू फिलहाल चेंज हो गई आपकी, माइनस का 11 / 3 आ रही है, तो हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना बेटा नीचे वाला as it is, अब हम इसको सेपरेट कर लेंगे, इसके अपॉन में, इसके अपॉन में, इसके अपॉन में अलग, इसके अपॉन में अलग, तो आप ध्यान से देखना बेटा, इसके अपॉन में अलग लिखा मैंने, जब इसके अपॉन में अलग लिखा तो मैंने देखा इसका डेरिवेटिव ऊपर वाला है सीधा सीधा, तो जब बेटा ऐसा होता है कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला होता है तो लोग में नीचे वाले को ऐसे ही लिख देते डायरेक्ट, और आप चाहो तो वही कहानी चल लो जो आपको शुरू में सिखाई थी कि नीचे वाले को टी मान लो, जब टी मानोगे डेरिवेटिव जाएगा, वन अपॉन टी आएगा, वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग टी होगा, फिर टी की वैल्यू यानी है, और देखिएगा माइनस ये आपने क्या लिखा बेटा, अभी यहाँ पर इसको अलग से सॉल्व करना है, तो ये आपका पिछला क्वेश्चन बन चुका है मेरे, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा जो पिछला क्वेश्चन है हमारा, तो इसके अकॉर्डिंग क्या बनाएंगे, होल स्क्वायर, तो बेटा 3x² जब 3 के साथ आएगा, 5 के साथ आएगा, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, आपने आपने स्क्वायर क्या करना है भाई, 3 किसका स्क्वायर होता है आप सोचना है, तो 3 नॉर्मली तो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, अगर मैं इंटीजर्स की बात करूं तो किसका होता है, 3 का होता है, तो हमने क्या लिखा बेटा इसको, इसको मैंने क्या लिखा, रूट थ्री का, रूट थ्री एक्स का स्क्वायर लिखा, यानी ए स्क्वायर आ गया प्लस 2 into a into b, तो देखिए 2 को a, तो हमने वो लिख दिया देखकर बेटा, अब मैं इसके किससे मल्टीप्लाई करूं, ये क्या बन जाए, ये 2x बन जाए, तो किससे मल्टीप्लाई होगी, तो 2x तो ऑलरेडी है, रूट थ्री फालतू है तो रूट थ्री से डिवाइड, यानी 1/√3 से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये b हो गए तो ये प्लस और ये माइनस किया, और जब ये क्या बेटा आपका ये प्लस का वन, यानी कॉन्स्टेंट एज इट इज। अब यहाँ देखिएगा बेटा आपने क्या किया, ये a प्लस b का होल स्क्वायर लिख दिया इसको, और माइनस ये क्या बेटा आपका 1/3 आ रहा है, ये प्लस का 1 3 1 3 थ्री में से बन जाएगा माइनस का, तो क्या बचेगा प्लस का 2, तो 2/3 आ रहा है आपका, और 2/3 को √2/√3 का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बेटा आपका 1/3 लिया है मैंने, जबकि है क्या बेटा आपका 11/3 है, क्या बेटा आपका 11/3, तो अब यहाँ पर ये वन का तो 11 हर जगह कर ही दो आप, तो कितना हो जाएगा बेटा आपका ये 1 का, जब मैं हर जगह 11 करूंगा तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है बेटा आपका 11, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट यहाँ देखिएगा कुल मिला के फिर ये रखा, और ये किसका फॉर्मूला बेटा आपका सीधा, किसका बेटा आपका x² + a² tan इनवर्स वाला बेटा, तो यहाँ पर भी देखना, यहाँ बहुत अच्छे से समझना बेटा है ना, इस वाली के बाद सॉल्यूशन 11/3 एज इट इज आपका, अब 1/a होता है, तो a आपका ये है बेटा √2/√3 लिख दिया 1/(into) में ये वाला 1/√3 कहां से आया भाई, कहां से आया, तो ये आया x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या था √3, तो ये कहां हो गया डिवाइड में, और tan इनवर्स ये पूरा x ऊपर बेटा और अपॉन में a नीचे। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसका एलसीएम लेंगे, तो √3 की 3 से होगी, तो √3 की √3 से होगी, तो आएगा 3x + 1 नीचे √3, और ये था ही, तो √3 से √3 कैंसिल, और इसको मैंने कलेक्टिव फॉर्म में लिख दिया, बस आपका ये आंसर हो गया, और इसको i1 को उठा के i वाली वैल्यू में लिख दिया, ये आ गया। अब एक छोटी सी कॉन्सेप्ट बताया था ना मैं, दो तरीके से बताऊंगा इसको, तो एक छोटी सी कॉन्सेप्ट इसी के पहले आप ऐसे भी देख सकते हो, कि जो मैंने मेथड लिखवाया, अगर आप चाहो तो इसकी जगह आप ये भी कर सकते हो, ये वाला जो दिया आगे सब कुछ बिल्कुल एज इट इज ही रहेगा आपका बिल्कुल, ठीक है। आगे का जो मैं अभी ये आपका रफ कर रहा हूँ ये तो उस मेथड में भी सेम रहेगा, बस थोड़ा सा यहाँ पर आपको मैं फर्क बताना चाह रहा हूँ, तो देखिएगा कि इससे बचने का तरीका अगर आप चाहते हो तो ये अप्लाई कर सकते हो, है ना। देखिएगा बेटा यहाँ पर क्या है बेटा, नीचे वाला जो है ना उसका डेरिवेटिव क्या है सोचिए, सबसे पहले नीचे वाले का डेरिवेटिव है बेटा आपका 6x, और क्या बेटा आपका प्लस का कितना आ बेटा आपका 2, ये आ रहा है। अब अगर इसको मैं ऊपर की फॉर्म में, ऊपर वाले को इस फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, तो इस फॉर्म में लाना है मैंने किसको बेटा, ऊपर वाले को, तो देखिएगा 5x - 2, 5x - 2 का ये बनाना है मैंने, तो मैं क्या लिखूंगा बेटा इसको, कि 5 को बाहर रहने दिया, x है ना उसमें मैंने 6 से मल्टीप्लाई की और 6 से डिवाइड, फिर मुझे क्या चाहिए प्लस 2 भी चाहिए ना, तो मैंने क्या किया प्लस 2 और माइनस 2 भी कर दिया बेटा, और जबकि हमारा ये वाला माइनस 2 एज इट इज था, तो अब देखिएगा ध्यान से यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, ये 5/6, ठीक है बच्चों, और ये 6x + 2,
और जबकि -2/-2/6 आप अलग लिख लीजिए और ये माइनस का 2, तो यहाँ पर ये 5/6 और 6x+2 और देखिएगा ये कितना आ रहा है बेटा आपका 6 × 2 = कितना बेटा आपका 6 × 2 = कितना आ रहा है बेटा आपका ये 12। देखिएगा पूरे कंसंट्रेशन के साथ ठीक है इसमें कि क्या है, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा आपका। 6x लिखा मैंने, 6 से 6 को डिवाइड किया ओके, और फिर क्या किया +2 - 2 अपने पास है क्या, बिकॉज मुझे प्लस का 2 चाहिए और यहाँ पर क्या बेटा आपका -2 ओके। अब ये 6x+2/6 अलग लिख दिया मैंने और ये अगर मैं इसको कट भी करूँ तो कट करके भी कितना आ रहा है 3 आ रहा है और 3 × 2 = कितना बेटा आपका 6 ठीक है, 3 × 2 = 6, 6 × 1 = 7, तो माइनस का कितना बेटा आपका 7/3 आ रहा है ठीक है। और ये 5 × 2 = 10, अच्छा ये कंफ्यूजन हो रहा है, देखो यहाँ पर बेटा कंफ्यूज ना होना मेरे बच्चों, यहाँ पर क्या गलती हो रही है आपकी, 5/6 ये तो एज इट इज ना, यहाँ पर 5 की भी मल्टीप्लाई होती है, मैं कह रहा हूँ आंसर चेंज कैसे आ रहा है, तो देखिएगा 5 × 2 = 10, तो कितना आ रहा है 10/6 और ये माइनस का 2 अब आ रहा है देखिएगा। अब यहाँ पर क्या बेटा आपका ये 5 और इसको कट गया 3 × 2 = 6, 6 और 5 = 11, तो 11/3। तो अगर आप ऐसे करते हो डायरेक्टली तो आपका क्या है बेटा आपका ए और बी, मतलब ये कुछ भी चक्कर नहीं पड़ेगा और सीधा इसकी जगह ये लिख दीजिए आप वैल्यू ठीक है, और फिर आगे सॉल्व करना शुरू कर देना सेपरेट करके। तो अगर आपको लगे कि ये बेटर है तो आप इसको एक्सेप्ट कर लो, अदरवाइज फिर वो फॉर्मूला वाइज आप अपना सीधा सीधा ये आपको मैंने बता ही दिया है ठीक है। अब देखो बेटा आगे इसमें और रह गए इनको क्वेश्चन इसकी जैसे हैं सेम टू सेम बिल्कुल, आगे आप खुद करेंगे लेकिन बता रहा हूँ मेन जो इसकी कैलकुलेशन है वो इन दोनों मेथड से बता दूंगा मैं बस आपको ठीक है। देखिएगा बेटा आप इसमें बच्चों जो छोटी छोटी गलतियां हो जाती है माफ कर दिया करो इसमें है ना। अब देखना क्या है बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में बेटा अब देखिएगा पूरे कंसंट्रेशन के साथ ये आपका लिखा है 6x+7 और नीचे है आपका बेटा x-5 and x-4 प्रोडक्ट में ठीक है। तो देखिएगा आप इसमें ध्यान से बेटा कि क्या करेंगे इसमें, देखना बच्चों इसमें x-5 and x-4 को पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा x²-9x और प्लस का 20। अब मैं इसको दोबारा से लिख रहा हूँ इसी फॉर्म में, क्या है बेटा आपका नीचे मैंने क्वाड्रेटिक लिख ली है, सिंपल सिंपल सी क्वाड्रेटिक आपको ये दे रखी है उसने ठीक है। अब मैंने आपको भी तरीका क्या बताया था कि भैया न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू डी डीएक्स ऑफ डी ए के साथ और प्लस में बी, और डी जो होगा विदाउट रूट हमेशा ध्यान रखना, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर के प्लस पर क्या बेटा आपका 6x+7 और ए का ए रहा आपका और डी डीएक्स ऑफ, तो डी डीएक्स किसका करना है x²-9x+20 का और प्लस में बी, तो देखिएगा आपका बेटा 6x+7 आपका एज इट इज ए डेरिवेटिव कर रहा बेटा 2x-9 आ रहा है प्लस में बी। अब क्या करेंगे बेटा हम इसको, हम क्या करेंगे बेटा ये आपका 2ax अलग और 9a और प्लस में बी अलग, ये आपका कांस्टेंट है और ये आपका क्या है बेटा इस बार x वाला, तो आप देखिएगा आपने क्या किया 6x = 2ax, x से x दिया 2 से इसको कट किया a = 3 आ गया आपका, जबकि यहाँ पर -9a + b = 7, तो आप देखिएगा 9 × 3 + b = 7, तो 9 × 3 = 9 कितना बेटा आपका 27 उधर जाकर प्लस हो गया बेटा आपका, तो ये कितना है आपका 34 b की वैल्यू या भी। अब आप इसमें i इक्वल क्या लिखेंगे, आप i इक्वल लिखेंगे बेटा इसमें सबसे पहले क्या मेरे बच्चों के a है ना, देखिएगा कहाँ मान दी मैंने इक्वेशन ये रही हमारी ठीक है, तो i इक्वल क्या आएगा 6x+7 के प्लस पर ये लिखना है बट a और b की वैल्यू पुट करते हुए, तो देखिएगा 3 है ना बच्चों, क्या है a की वैल्यू कितनी 3 और क्या है बेटा आपका 2x - 9 और प्लस में b, b कितना है बेटा आपका 34 और अपॉन में जो था जैसे था वो आप एज इट इज ही लिखेंगे, क्या x²-9x और प्लस में बेटा आपका 20 और ये आपका dx। अब हम इसको सेपरेट करेंगे, तो जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो देखिएगा 3 पहले आ गया और 2x-9 अपॉन में आपका बेटा ये है एज इट इज ठीक है, और जबकि ये 34 पहले आ गया और क्या लिखेंगे बेटा हम इसमें भी 1 अपॉन में ये आपका x² प्लस
सॉरी माइनस का 9x और प्लस का 20। अब यहाँ पर समझना मेरे बच्चों, इस वाले में इसको हम i1 मान लेंगे कुछ पल के लिए, इसको हम i2 मान लेंगे। ये वाला डायरेक्ट नहीं हो पा रहा है, बिकॉज ही क्यों नहीं हो पा रहा है वो समझना। नीचे वाले का ऊपर वाला डेरिवेटिव है, बट नीचे वाला रूट में है बच्चे, तो रूट में तो पहले हम सिर्फ i1 को अलग सॉल्व करेंगे। i1 हमारा क्या आ रहा है ध्यान से देखिएगा बच्चों, i1 लिखा है बेटा आपका 3 और क्या है बेटा आपका ऊपर 2x माइनस का 9 और अपॉन में क्या लिखा है बेटा आपका x स्क्वायर माइनस 9x और प्लस में बेटा आपका 20। ठीक है, तो जब मैं इस वाले को करूंगा तो यहाँ पर क्या कंडीशन है आपकी, आप लेट कर लेंगे x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस के 20 को t, तो ये आएगा बेटा आपका 2x माइनस 9 dx इज इक्वल टू में dt। तो कुल मिला के चलिए ये तो आपका कैंसिल हो गया, लेकिन i1 आ क्या रहा है तो 3 और क्या आएगा 1 अपॉन रूट में t का मतलब t की पावर 1 बाई 2 बेटा, और ऊपर जाकर ये क्या हो जाती है t की पावर माइनस के 1 बाई 2। और इसको 1000 बार आप कर चुके हैं है ना, क्योंकि इसका क्या आता है प्लस 1 करने पर 1 बाई 2 और ये प्लस में c 1 कह लीजिए, तो 3 2 6 और ये रूट में t और प्लस में c 1 या 6 और रूट में t, t की वैल्यू क्या रखेंगे आप इसमें बेटा ध्यान से देखिएगा, t की वैल्यू थी x स्क्वायर माइनस 9x प्लस में 20। ठीक है, और प्लस में c 1, इसको भी कई बार डायरेक्ट याद कर लेते हैं बच्चे, तो आप वो भी कर सकते हो आपकी मर्जी है। ठीक है, डायरेक्ट इसको भी याद कर सकते हो कि जब आपका अपॉन में क्या आता है बेटा, अपॉन में ये आता है ना, ठीक है, ऊपर डेरिवेटिव अपॉन में रूट में हो तो क्या आता है 2 रूट एज इट इज आ जाता है। क्या आता है बेटा, देखो 3 तो 5 पहले से तो 2 रूट आ गया आपका, तो 2 3 6 हो गया आपका, या डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसमें कोई मार्क्स कट नहीं होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा I2 वाले केस ना, I2 वाले केस के लिए हम क्या करेंगे बेटा, x स्क्वायर है माइनस 9x और प्लस में 20 है, इसको बनाऊंगा तो बेटा a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, b के प्लस पर बेटा देखिएगा a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, b के प्लस पर गया 2 की किस्म में पहले 9 है तो 9 बाई 2 है, तो क्या करेंगे बेटा 9 बाई 2 का स्क्वायर माइनस 9 बाई 2 का स्क्वायर और बेटा प्लस 20 आपका एज इट इज। तो ये यहाँ से यहाँ तक आपका क्या आ गया है, ध्यान से देखना बेटा, ये आपका हो गया है a, a के प्लस पर क्या है x, x माइनस 9 बाई 2 का होल स्क्वायर और ये आपका बेटा 81 अपॉन में 4 प्लस का 20, 420 का कितना हो बेटा आपका 80 और 81 में से गया तो कितना बचा बेटा आपका, इसमें बच रहा है आपका 1 बाई 4 यानी 1 बाई 2 का स्क्वायर। तो I2, I2 की वैल्यू क्या थी भाई आपकी, I2 की वैल्यू थी 34 के साथ में है ना, 34 के साथ में क्या दे रखा था आपको बेटा 1 अपॉन रूट में, रूट में आपका बेटा x माइनस 9 बाई 2 का स्क्वायर और ये आपका बेटा 1 बाई 2 का भी स्क्वायर। तो आप ध्यान से देख लो बेटा, ये आपका फॉर्मूला बन गया 34 और लॉग में आपका x यानी x के प्लेस पर ये पूरा और प्लस में एज इट इज, एज इट इज में इसकी जगह हम सीधा वही लिख देते हैं ना जो था, क्या था ये इनिशियली क्या था बेटा, सबसे पहले ये था x माइनस 5 और x माइनस 5 और बेटा x माइनस का 4। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं बेटा, c2 लिख दीजिए। ठीक है, अब ये i इज इक्वल टू क्या है बेटा आपका, i इज इक्वल टू में क्या है बच्चों आपका, यहाँ पर ये i1 और प्लस i2, तो i1 प्लस i2, तो दोनों की वैल्यूज रख दीजिए, दोनों की वैल्यूज i1 की वैल्यू क्या आई थी बेटा आपकी, ये रही 6 और रूट में आपका क्या है बेटा x स्क्वायर माइनस 9x प्लस में 20 बेटा, और i2 की वैल्यू आपकी ये लिखी हुई है, i2 की वैल्यू आपकी 34 और बेटा आपका क्या है log के अंदर है ना, log में x माइनस 9 बाई 2 और साथ में क्या बेटा प्लस रूट में x माइनस का 5 और बेटा x माइनस का 4 और क्या लिखेंगे बेटा इसमें प्लस में c, c1 और c2 के ना दोनों की जगह क्या लिख दिया मैंने बेटा c लिख दिया। ठीक है, c1 और c2 दोनों c के लिए एक बड़ा c काफी है ना बेटा, c1 और c2 मैंने हटा दिया और क्या लिख दिया c1 और c2 की जगह बेटा मैंने खाली c लिख दिया है, क्या लिख दिया खाली c। ठीक है बेटा, तो ध्यान से देखना, अब इसका मैं वही दूसरा वाला मेथड भी बता देता हूँ, कौन से वाले के लिए, इस वाले के लिए, तो ध्यान से देखना अब इसमें कैसे बताऊंगा मैं आपको बेटा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कितना लेट हुआ था हमारा और ये सेकंड क्वेश्चन कितना जल्दी हो गया, जबकि ये सेकंड फर्स्ट की कंपेयर में टफ था, तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा कब होता है, कब होता है जब प्रैक्टिस हो जाती है, पहले क्वेश्चन से आपको प्रैक्टिस हो गई, अब दूसरा मैंने थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर करा दिया बिकॉज मैं जानता हूँ आप इस लायक हो चुके हो। ठीक है, तो देखिएगा फटाफट बेटा इसमें
इसी में आप देखिए पहले बेटा कि नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या है, ये वाला, ये सब है ना हटाने के लिए ना, ये वाली प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए मैं कर रहा हूँ ये सब। कि नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या है बेटा आपका 2x - 9, तो 2x - 9 बताना है, 2x - 9 बनाना है। किसका बनाना है बेटा, ऊपर वाले का। तो भैया ये है आपका 6x + 7, तो बड़ा आसान है, 6 में से 3 हटा दीजिए तो 2x तो हो ही गया है ना, 2x तो हो ही गया। अब इसमें माइनस का 9 लिख दीजिए और प्लस का 9 लिख दीजिए और प्लस में जो आपका 7 था वो ऐसे लिख दीजिए। तो आप देखिएगा बेटा कितना आसानी से आप कर रहे हैं इसको, तो आप अलग ले लीजिए यानी कि 3 और 2x से माइनस 9 को, और ये बेटा 3 9 से कितना 27 और 7। तो देखिएगा कितना आसान हो जाता है ये तो मैं आपको देखो समझा रहा हूँ भाई कितना आसान हो गया आपका, एक दो लाइन में आपका खत्म हो जाता है। इस सबसे आप बच जाते हो, सारे झमेले से आप बच जाते हो, इस बात का ध्यान रखिएगा ठीक है। खैर कोई नहीं, अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आगे देखिएगा बेटा आपके हो गए 18th और 19th हो चुके हैं ठीक है, 18th और 19th आपके हो चुके हैं। अब देखिएगा मैं सिर्फ आपको बना बनाकर छोड़ दूंगा बेटा, आप खुद कीजिएगा और वो भी शॉर्टकट वाले मेथड से कराओ मेरे बच्चों, क्योंकि मुझे ये ज्यादा पसंद है क्योंकि टाइम बचाते हैं आपका। बाकी आप कोई सा भी ठीक है, कोई सा भी आप इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा जो आपको बेटर लगे ठीक है। अब देखिएगा बेटा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20th, तो 20th में आपको क्या दे रखा है बेटा, आई इक्वल्स टू में आपको दिया एक्स प्लस 2 और अपॉन में बेटा आपका 4x माइनस का एक्स स्क्वायर और ये dx ठीक है। यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक है नेचर, क्वाड्रेटिक कैसी है बेटा, क्वाड्रेटिक कैसी है कि एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c में से c गायब, कॉन्स्टेंट टर्म गायब, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसके लिए, कोई स्पेशल केस नहीं है, सेपरेट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ठीक है। बस ये देख लेंगे कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला है तो नहीं, तो ये 2x और क्या आएगा बेटा आपका 4, तो नहीं ये आ रहा है क्या 2x और 4, हाँ जी आ रहा है क्या, आ रहा है बेटा, लेकिन ये नीचे किसका है माइनस का और ऊपर किसका है प्लस का, तो नहीं बन पा रही बात है ना। अब मैं आपका डायरेक्ट कर दूँ तो ये आ रहा है भैया आपका, इसका जो डेरिवेटिव आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका 4 - 2x, 4 - 2x का ये बनाना है मैंने, तो जब मैं ये बना हुआ तो ये क्या है बेटा आपका x प्लस 2 है, तो देखिए 4 का 4 रहने दीजिए, 2 का 2 x प्लस 2 और माइनस 2 कर दीजिए। अब इसको अलग देखिएगा, 4 का 4 माइनस का 2 और ये x प्लस 2 अलग, और जबकि माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 4, तो क्या है बेटा आपका 8 और माइनस का 2 और x प्लस का 2 बेटा, आप ध्यान से देख लीजिए क्या है बेटा है ना। अच्छा ओ सॉरी, ऊपर वाले का नीचे वाला बनाना था, उल्टा कर दिया बेटा मैंने इसमें, देखिएगा x प्लस 2 को लिखना है ना, x प्लस 2 को किस फॉर्म में लाना बेटा 4 माइनस किस में बेटा 2x में, इस फॉर्म में लाना है मुझे, तो आप देखिएगा माइनस का 2x लाना है ना मैंने इसमें, तो क्या किया माइनस का 2x अपॉन में माइनस का 2 और फिर क्या प्लस में 4, तो हाँ जी प्लस 4 और माइनस का 4 और ये प्लस 2 आपका अलग। अब देखिएगा बेटा इसमें क्या करने वाला हूँ मैं, माइनस का 2x प्लस 4 अपॉन में माइनस 2 अलग और माइनस 4 अपॉन माइनस 2 अलग और प्लस में 2, तो अब देखिएगा क्या आ रहा है बेटा आपका माइनस का 2x प्लस 4 अपॉन में माइनस 2 अलग है ना बच्चों, और ये आपका प्लस 2 और 2 4 हो गया। तो अब मैं क्या लिखने वाला हूँ बेटा, आई इक्वल्स टू ऊपर क्या लिखूंगा बेटा माइनस का 2x प्लस 4 के अपॉन में क्या बेटा आपका माइनस 2 अलग और नीचे ये आपका बेटा 4x माइनस का एक्स स्क्वायर और क्या बेटा आपका प्लस का 4, 4 के अपॉन में ये अलग बेटा ये आपका मैंने लिख दिया ठीक है। अब देखिएगा नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला है ना, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला है लेकिन नीचे वाला रूट में, तो आप देखिएगा इसको ये -1/2 तो आपका एज इट इज है ना, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला है लेकिन नीचे वाला रूट में, तो क्या बताया था 2√ एज इट इज, एज इट इज मतलब ये आपने लिख दिया ठीक है, ये तो खेल ही खत्म हो गया था इस वाले का। अब प्लस क्या बचा आपका बेटा 4 अपॉन में, मतलब कि 4 भी यहां ले लो आप, सिर्फ 1 अपॉन लिखो यहां पर, अब बच्चा आपका ये है बेटा। अब आप इसको कैसे कर लेंगे बताइए, इसको आप बिल्कुल सिंपल वे में बेटा क्या करेंगे, होल स्क्वायर बनाएंगे, तो होल स्क्वायर जब बनाते हैं तो आप कैसे बनाते हैं इसमें ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस करो, माइनस कॉमन ले लीजिए तो स्क्वायर माइनस का 4x हो गया आपका, और अब आप देखिएगा इसको कितनी आसानी से भाई ए स्क्वायर है ना बच्चों, तो माइनस 2 × a × माइनस 2 × a × b, 2x की जगह बेटा ये लोगे 4 आए 4x आए तो 2 से, तो इसका मतलब b स्क्वायर जो है वो 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर ये आप देख लीजिए ये आ रहा है बेटा आपका ठीक है। अब देखिएगा आप इसमें माइनस का माइनस रहा और ये आपका किसका बेटा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, जबकि माइनस का 4 या माइनस 4 की जगह 2 का स्क्वायर ही रहने दीजिए, देखिएगा माइनस ले रहा हूँ
तो माइनस के अंदर तो टैग दूंगा प्लस, और ये वाला क्या हो जाएगा बेटा आपका माइनस। तो अब देखिए कितना शॉर्टली हो जाएगा इसको जब मैं वैल्यू लिखूंगा आपकी बेटा, कहाँ पर आपकी ये वाली वैल्यू यहाँ लिख दूंगा। तो आई प्लस टू जो मेरा चल रहा था, तो माइनस का ये क्या बेटा, माइनस का रूट में ये सब कुछ तो एज इट इज ही है बेटा आपका, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूँ फोर आपका एज इट इज है, ठीक है। लेकिन अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा वन अपॉन रूट में टू स्क्वायर और माइनस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, और ये किसका बेटा आपका साइन इनवर्स वाला है। तो आप देखिएगा माइनस का ये आपका 4x माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4, और इसको मैं क्या लिख दूंगा बेटा डायरेक्टली साइन इनवर्स x के x क्या बेटा आपका x माइनस टू और अपॉन में a यानी कि 2 और प्लस में बेटा आपका c। सीधा सीधा आपको कराऊंगा बेटा मैं, बिल्कुल सीधा सीधा बड़े कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा, पूरे कंसंट्रेशन से मेरे बच्चों, ठीक है। तो देखते रहो बेटा, बहुत आसान है आपका, कोई मुश्किल बात नहीं है। अब मैं नेक्स्ट वाला करा रहा हूँ बेटा इसका। नेक्स्ट जो आपका बेटा 21st में आपका बेटा सीधा सीधा है 21st। तो देखिएगा आप इसमें बेटा 21st बेटा, तो 21st में क्या आ रहा है देखिएगा पूरे कंसंट्रेशन से बेटा, लिखा हुआ है बेटा आपका x प्लस टू और अपॉन में क्या है मेरे बच्चों एक्स स्क्वायर, है ना, क्या है बेटा आपका एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स और प्लस में 3। तो देखना नीचे वाले का डेरिवेटिव है क्या बेटा, वैसे इसका डेरिवेटिव बेटा आपका 2x प्लस 2 और ऊपर क्या बेटा x प्लस 2, तो x प्लस 2 का 2x प्लस 2 बनाना कोई मुश्किल नहीं है बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करो 2 से डिवाइड करो, और सामने क्या चाहिए प्लस 2 भी चाहिए तो माइनस 2 भी कर दो, और ये वाला प्लस 2 आपका है। अब देखिएगा बेटा 2x प्लस 2 अपॉन में बेटा पूरे के 2 अलग और माइनस 2 अपॉन 2 अलग प्लस 2, तो देखिएगा ये तो आपका 1/2 और बेटा आपका 2x प्लस 2 एज इट इज आ गया, और माइनस ये कितना बेटा आपका 2 में से बन गया तो प्लस का बन बचा। अब मैं क्या करने वाला बेटा इसको डायरेक्ट सेपरेट करूंगा बेटा कि 1/2 और आपका 2x प्लस 2 के अपॉन में ये आपका पूरा का पूरा एज इट इज, ये पूरा का पूरा एज इट इज और प्लस 1 के अपॉन में ये पूरा का पूरा बेटा आपका एज इट इज। तो देखिएगा मेरे बच्चों अब मुझे कितना आसान हो जाएगा, ये वाला 1/2 आप बाहर ले लीजिए, और अभी बताया था कि जब ऊपर डेरिवेटिव हो नीचे रूट में हो तो क्या होता है बेटा इस कंडीशन में डायरेक्ट 2√x आ जाता है। तो ये तो आपका एज इट इज ही हो गया, देखो कितना आसान हो गया है ना। और प्लस इसमें क्या करेंगे, इसमें मॉल स्क्वायर बना लेंगे, ये रहा साइड में, अब तो हमें प्रैक्टिस अच्छी हो गई है। तो देखिएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू में बी और प्लस में 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो बेटा आपका ये एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3 में से बन गया कितना बचा बेटा 2 किसका है √2 का स्क्वायर। तो देखो इसमें फटाफट आपने लिख दिया, तो ये क्या आ रहा है बेटा आपका, ये आ रहा है बेटा आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस √2 का भी स्क्वायर dx। तो देखना कितना आसान हो गया बेटा, ये कैंसिल आपका, ये आपका एज इट इज। सोच सकते हैं आप इतना बड़ा क्वेश्चन कितना शॉर्ट में करा रहे हैं आपको, ठीक है। अब ये क्या है बेटा आपका, इसको लिखेंगे हम log और क्या बेटा आपका x, x के प्लस पर ये है और प्लस रूट में एज इट इज, एज इट इज में ही नहीं लिखते हम, ये वाली फॉर्म लिख देते हैं सीधा, जो थी वो है लिख दिया आपने, और ये आपका देख रहा बेटा कितना लेंदी क्वेश्चन इतना शॉर्ट में करा रहा हूँ बेटा, और इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। बट इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पिछला सीखना पड़ेगा मेरे बच्चों, ऐसे ही आसानी से नहीं होती है चीजें। अब आपका जो आपका कौन कौन सा क्वेश्चन है 22nd और 23rd बेटा आपका होमवर्क है मेरे बच्चों, कुछ तो करो, इतनी मेहनत से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इतनी ज्यादा मेहनत से करा रहा हूँ मेरे बच्चों, कुछ तो करो। देखो आप में से जो वीक हो रोना मत मेरे बच्चों, बार बार इस वीडियो को देखोगे स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, ठीक है। और दूसरी बात ये बेटा, ये दोनों क्वेश्चन ना दोनों मेथड से करने की कोशिश करना, एक जो नॉर्मल प्रोसेस है वो और एक ये वाला बेटा, ठीक है, तभी आप स्मार्ट बन पाओगे। लेकिन स्मार्ट बनने के लिए ना पहले हार्डवर्क करना पड़ता है स्टार्टिंग से, पूरा जब आप में पेशेंस होंगे, पेशेंस के साथ पढ़ोगे ना बेटा, तभी आप यहाँ तक पहुँच पाओगे, यहाँ तक, है ना। अभी यही क्वेश्चन था बेटा आपका, ठीक है, जो कि इस पर पूरा भर गया था आपका, दोनों स्लाइड्स आपकी बन चुकी थी लेफ्ट और राइट वाली, ठीक है। बाकी के दो क्वेश्चन वो आपके 24th 25th वो भी डायरेक्ट क्वेश्चन से बेटा खुद कीजिएगा, ठीक है, ओके बेटा, ठीक है, चलो अच्छे से मेहनत करो, मिलते हैं 7.5 में बेटा आपका, ठीक है, बाय।